कोरोना वायरस की महामारी के बीच 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार में ही सारा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या इसे धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। इसके बारे में कोई जवाब नहीं आ रहा था। आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि आगे लॉकडाउन का क्या होने जा रहा है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद 6 अप्रैल को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में लॉकडाउन से कैसे निकला जाए इस पर काम करने की योजना पर काम करने के संकेत दिए गए हैं। पीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से ये भी कहा कि विभाग जो जिनके पास जो विभाग है उसमें लॉकडाउन कैसे खत्म किया जाए उस पर भी योजना बनाई जाए। लेकिन क्या लॉकडाउन 15 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई तारीख के बारे में कोई बात अभी सामने नहीं आई। लॉकडाउन के हटाने या नहीं हटाने पर इतना डाउट क्यों है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो कोरोना वायरस के आंकड़ों पर जरा ध्यान दीजिए। 30 मार्च तक देश भर में कोरोना वायरस के 1500 से भी कम केस थे और 40 से भी कम लोगों की मौत हुई थी। अब अप्रैल के पहले हफ्ते में देखिए 4000 से ज्यादा कंफर्म केस का आंकड़ा आ चुका है और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। 5 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय की जो PCU थी उसमें बताया गया कि हर 4 दिन में ये आंकड़ा डबल हो जा रहा है, मतलब कोरोना वायरस के केस 4 दिनों में डबल हो जा रहा है। खुद सरकार के लिए भी लॉकडाउन जारी रखने या खत्म करने का फैसला मुश्किलों से भरा है। आप जरा यूपी सरकार को देख लीजिए। पहले बयान आया कि 14 अप्रैल के बाद से लॉकडाउन खत्म हो सकता है, फिर ये बयान आया कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं होगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन अगर खत्म न करें तो आर्थिक मार और अगर खत्म कर दें तो महामारी का खतरा बना है। अब इस महामारी के बीच एक बात हमेशा सामने आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें और लॉकडाउन का पालन करें। अब लॉकडाउन अगर हटाया जाता है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सुनिए क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से। लॉकडाउन 15 अप्रैल को हटेगा या कुछ दिन और टल सकता है ये अभी हम नहीं जानते, लेकिन जब भी हटेगा तो बड़ा चैलेंज दरअसल लॉकडाउन के बाद शुरू होता है। सरकार ने हमको ये बताया है कि वो स्टैगर्ड तरीके से करेगी इस काम को और राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ करेगी कि किस प्रकार से फेज वाइज किया जाए। लेकिन जहां पर कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, जिन ज़िलों में, ऐसे करीबन 60 या 62 ज़िले हैं जहां 80% कोरोना के पेशेंट्स हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफेक्टेड जो 200 हैं, तो जो बचे हुए 500 हैं वहां शायद नॉर्मल लाइफ, यानी नॉर्मल लाइफ कहिए, लाइवलीहुड कहिए या इकोनॉमिक सप्लाई चेन कहिए, वो जल्दी शुरू हो सकता है। लेकिन जो बाकी 200 जिले हैं और उसमें खास करके 62 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें मुंबई, दिल्ली और जो दूसरे बहुत ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हैं, उन जिलों में लोगों का अभी उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन इलाकों में जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिए गए हैं, एंट्री और एग्जिट अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ टेस्ट की सरकार को बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट के बगैर आप कभी अंदाज ही नहीं लगा पाएंगे कि किस एरिया पर ज्यादा फोकस करना है और किस एरिया पर कम, क्योंकि आपके पास मेडिकल रिसोर्सेस कम हैं। मुंबई का एग्जांपल लीजिए, अगर आप यहाँ पर लोकल ट्रेन और बसेस चालू कर देते हैं और सारे लोग सड़क पर आ जाते हैं तो क्या हाल होंगे? जाहिर है कि कौन से दफ्तर खोले जाएं, कब खोले जाएं, स्कूल कॉलेज खुलें या न खुलें, इन सारी चीज़ों पर अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन एक लंबा इंतज़ार हमको मान करके चलना चाहिए। क्योंकि जब कहा जा रहा है कि हर आदमी जो बाहर निकले वो मास्क लगा के चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चले, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस दफ्तर में अगर 100 लोग बैठते हैं तो वहाँ 25 लोगों को अगर इजाज़त दी जा रही है तो ये वहाँ पहुँचेंगे कैसे, और उस ऑफिस का, उन कारखानों का डिज़ाइन नया कैसे बनेगा, और ये सब बहुत बारीक डिटेल हैं जिसमें आई एम श्योर कि सरकार इस वक्त जा रही होगी, लेकिन अभी हमको उसकी जानकारी नहीं है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी के बीच वेबकूफ की बीमारी से आपको बचाया जा सके, तो ऐसे में लॉकडाउन को लेकर भी एक सोशल मीडिया पर वेबकूफ यानी फर्जी खबर, फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो लॉकडाउन को लेकर WHO के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। बकायदा इसके लिए फोटो भी जारी की गई है, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कहा गया है कि WHO ने एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें कहा गया कि पहले दिन 1 दिन का लॉकडाउन होगा, दूसरे दिन 21 दिन का, अगली बार 28 दिन का, फिर 15 दिन का लॉकडाउन होगा, और भारत इसका पालन कर रहा है। WHO ने इस फोटो को फेक बताया है। हम इसी तरह आपको जो फर्जी खबरें हैं, फेक न्यूज़ हैं, उनके उनसे लड़ने के तरीके बताते रहेंगे। आप बने रहिए क्विंट हिंदी, द क्विंट और क्विंट फिफ्थ के साथ।